शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुना शहर का सराफा बाजार बंद रखा गया। दुष्यंत जैन के नेतृत्व में बंद रखा गया था बाजार। वहीं सभी सराफा व्यापारियों ने दीप प्रज्वलित कर मौन धारण किया और शहीदों को नमन किया, जिसके बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से पूरा सराफा बाजार गूंज उठा। इसके बाद सभी सराफा व्यापारी अपने दोपहिया वाहनों से शहर के मुख्य मार्गों से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में निकले। पाकिस्तान आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है, उससे सीआरपीएफ पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसमें निश्चित रूप से जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उस तकनीक का इस्तेमाल आईएसआई जैसे आतंकी संगठन करते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सीआरपीएफ पर जो हमला हुआ, उसमें आईएसआई का हाथ है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान उसके लिए दोषी है। हम रियासती पुलिया सराफा हुसैन के सभी लोग इस बात की मांग करते हैं कि जिन्होंने हमारे वीर जवान शहीदों पर आतंकी हमला किया है, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, एवं जिन्होंने भारतीय सेना के जवानों को शहादत हुई है, उसका हम निश्चित रूप से बदला लेंगे। और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार यह ना समझे कि हम अकेले हैं, वह सख्त से सख्त कदम उठाए। गुना ब्यास की पुलिया सराफा बाजार पूरी ताकत से समर्थन करता है और पाकिस्तान और भारत सरकार से मांग करता है कि वह जिन्होंने हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति सख्त कार्रवाई हो। और जैसा हमारे दिल में आग लग रही है कि हमारे 40-40 जवान शहीद हुए, एक जवान की जगह 100-100 जवानों के सर काट के लाए।